यार जस्ट अभी निकले अपने फ्लैट से और अभी चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और इससे में हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ज़्यादा बारिश है नहीं, हल्की हल्की है तो, और ठंड भी है थोड़ी बहुत। यार काफ़ी भाई के सवाल आ रहे थे कि भाई यहाँ पर फूड डिलीवरी का ऑप्शन बताइए। कई बंदे मुझे कुवैत से मैसेज कर रहे हैं, कतर से हैं, जो तलबात में हैं, सऊदी वाले हंगर से कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर फूड डिलीवरी का ऑप्शन क्या है, फूड डिलीवरी में काम कैसे कर सकते हैं। तो भाई आज का वीडियो उसी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसान है यार फूड डिलीवरी। यहाँ पर मुझे लगता है सबसे आसान काम में से एक है फूड डिलीवरी। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके जाओ, एक घंटे में तुम्हारा अकाउंट चालू, उसके बाद से काम करो। काम कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है, दिल करे तो अपने लिए साइकिल चलाओ, स्कूटर चलाओ, कार चलाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। तो अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो तुम गाड़ी ले लो, गाड़ी नहीं है तो साइकिल ले लो, साइकिल नहीं तो स्कूटर ले लो। यहाँ पर 50 cc तक स्कूटर के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो अगर आप स्कूटर भी चलाना चाहो तो भी चला सकते हो, वो भी आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो हाँ इसी पे बाकी जो डॉक्यूमेंट रहेगा मैं रूम में बैठ के बताऊंगा, क्योंकि यार ठंड बहुत है इस समय। यार अगर तुम्हें पोलैंड में फूड डिलीवरी का काम करना है तो मेरी नज़र में सबसे आसान काम वही है, क्योंकि आपका कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। आपको बस अपना पासपोर्ट अपने साथ में रखो, ठीक है, अपना पासपोर्ट लेके जाओ, एक घंटे के अंदर तुमको अकाउंट खुल जाएगा फूड डिलीवरी का, उसका तुम आराम से काम कर सकते हो। तो मेरी नज़र में उससे आसान कोई काम यहाँ पर है भी नहीं, क्योंकि आपका ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता, आपका ना कोई वो होता, बस अपना पासपोर्ट लेके जाओ और एक घंटे में अपना अकाउंट चालू कर लो। अकाउंट चालू होने के बाद उसका काम करना है तो काम कर लो। और फूड डिलीवरी का यहाँ पर ऐसा है कि बस आपको साइकिल है, साइकिल चलाना है साइकिल चला लो, बाइक चलाना है बाइक चला लो, कार चलाना है कार चला लो, पैदल चलना है तो पैदल चलो। तो यहाँ पर ये सिस्टम है ना कि आप जैसे चाहो वैसे यहाँ पर काम कर सकते हो। फूड डिलीवरी का बहुत ही आसान काम है यहाँ पर। तो यार सबसे पहले यहाँ पर जो 4-5 मेजर कंपनियां हैं, ठीक है, तो उसमें से एक है उबर ईस्ट, ठीक है, उबर ईस्ट भी यहाँ पर चलता है, ग्लोबो है, पिस्ने पियर है, बोल्ट है, ये सब ये फूड डिलीवरी का काम करते हैं और इनके सबके राइडर हैं, ठीक है, ये सब यहाँ पर फूड डिलीवरी की कंपनियां हैं। और यार अगर तुम लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी तो मैंने बताया था, अगर तुम यहाँ पर आकर टैक्सी चलाना चाहते हो तुम्हें एक फीड पार्टनर की जरूरत पड़ती है, वैसे यहाँ पर अगर तुम्हें फूड डिलीवरी करना है तो भी तुम्हें एक फीड पार्टनर यहाँ पर चाहिए। तो यार तुम किसी भी फीड पार्टनर पर जाओ, अपना पासपोर्ट लेके जाओ और उनसे बोलो कि मुझे यहाँ पर एक अकाउंट खोल दो, जिस भी कंपनी में चाहिए, उनके पास हर कंपनी का होता है ना, एक अगर एक ऑफिस में तुम जा रहे हो, ठीक है, और उनसे बोलो कि मुझे ग्लोबो में चलाना है, तो बस वो तुम्हारा पासपोर्ट लेगा, एक घंटे के अंदर तुम्हारा अकाउंट चालू करके तुम्हें दे देगा, साथ में तुम्हें बैग देगा, उसका चार्जेस वो लेते हैं। उसके बाद से वो तुमसे एक वीकली चार्ज होता है जो 30 और 35 JLOT के बीच में होता है, तो वो तुम्हें पे करना है। उसके बाद जो तुम कमाओगे वो तुम्हारा, उसमें उसका कोई दखल नहीं है। अगर तुम्हारे पास साइकिल है तो तुम साइकिल से डिलीवरी कर लो, अगर तुम्हारे पास बाइक है तो बाइक से कर लो, कार है तो कार से कर लो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम उसी फीड पार्टनर से बोलोगे कि मुझे एक बाइक दे दो या कार दे दो रेंट पे, तो वो तुम्हें वही प्रोवाइड करेगा। तो यार अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो तुम बाइक ले लो, ठीक है, उनसे बोलो स्कूटर देने के लिए, 50 cc की जो नीचे की यहाँ पर स्कूटर होती है उनको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो आप वो ले सकते हो, वो आसान रहता है। और प्लस अगर आप साइकिल से करना चाहो तो साइकिल से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पर वही है सबसे आसान में, बस आपको पासपोर्ट लेके जाओ, ठीक है, वहाँ दे उनको पासपोर्ट दो, पासपोर्ट देने के बाद उनको अपना अकाउंट चालू करा लो, अकाउंट चालू हो गया उसके बाद आपसे आपके पास अपने चॉइस है ना कि आप किससे करना चाहते हो, साइकिल चलाना है साइकिल चला लो, बाइक चलाना है बाइक चला लो, कार चलाना है तो कार के लिए लाइसेंस आपको चाहिए। तो हाँ ये 3-4 ऑप्शन है। बाकी अगर तुम्हें कौन कौन सी कंपनी, मतलब अगर तुम मुझे कॉन्टेक्ट करो तो मैं तुमको ऑफिस बता दूंगा कि कौन कौन सी ऑफिस वर्सोवा में है जो फूड डिलीवरी काम कराती है या जो तुम्हें अकाउंट तुम्हें चालू करके देगी। बाकी अकाउंट तुम्हारा चालू वही कर देंगे, तुमको स्कूटर चाहिए तो भी दे देंगे, तो बहुत ही आसान काम है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है नहीं। तो यार अब दूसरी बात कि कमाई कितनी है, ठीक है, तो यार देखो फूड डिलीवरी में अच्छी खासी कमाई है आपका, ज़्यादा अगर आप साइकिल से करते हो, ठीक है, अगर 12 घंटे करते हो तो ये समझो कि 400 रुपये आप कमा लोगे, 400 रुपये कमा लोगे आप, साइकिल में आपका कुछ लगना नहीं है। आपको फूड पार्टनर का 5 या 10 रुपये होता है एक दिन का, 5 रुपये होता है, ठीक है, 5 से 6 रुपये होते हैं, वो आपको वीकली पे करना है, मंथली भी नहीं है, वीकली पे करना है, 30-35 जो भी होगा 40 वो देना है आपको, बाकी आप जो कमाओगे वो आपका है, उसमें किसी का और कोई नहीं रहेगा, आपको करना है बस आपके कमाई पे है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप साइकिल से कर रहे हो तो आप कितना काम करोगे, आप बाइक चला रहे हो तो कितना करोगे, कार चलाओगे तो कितना करोगे, और डिपेंड भी है कितने किलोमीटर पे कर रहे हो। तो अगर आप साइकिल से डिलीवरी कर रहे हो तो साइकिल की जो डिलीवरी का रेंज है वो 2 किलोमीटर ज़्यादा वो होते थे नहीं है, ठीक है, जो भी कंपनी है वो 2 किलोमीटर देगी। अगर आप बाइक पे हो तो 5-6 किलोमीटर देगी, कार पे हो तो उनका 10-12 किलोमीटर होता है, तो डिपेंड करता है कितने किलोमीटर जा रहे हो उस हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन हाँ अगर आप बाइक से भी करोगे ना या आप साइकिल से करते हो तो ये जान लो आप 300-400 रुपये डेली का रोज यहाँ कमा लोगे,
उसमें आपको और किसी को कुछ देना नहीं है, वो आपका सेफ यहाँ पर पैसा बचेगा। बाकी जो पेमेंट आएगा वो वैसे ही आएगा जैसे टैक्सी का यहाँ पर आता है, वीकली चाहे तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आप कैश ले सकते हो। तो ये यहाँ पर फूड डिलीवरी का ऑप्शन है। बाकी हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आता और आप किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते तो ये आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है यानी कुछ नहीं है, आपका कोई स्किल भी नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हो। ये सबसे आसान काम है और अपने हिसाब से कर सकते हो, जब आपको दिल करे तब जाओ, जब नहीं करे तो मत जाओ। तो ये देख लो, ये आप काम के लिए सबसे आसान में है। बाकी उसके बाद अगर तुम्हें जानना है कि वर्सोवा में कौन कौन से और कहाँ पर ऑफिस है तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम वैसे पहले से काम कर रहे हो तो भाई फॉलो करो। तो यार वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना ना भूले, क्योंकि ये बात काफी छोटी वीडियो थी। क्योंकि फीड देखो, फूड डिलीवरी का इतना कुछ है नहीं, ठीक है, डॉक्यूमेंट लगता नहीं है, सिंपल डॉक्यूमेंट एक पासपोर्ट लेके जाओ, खत्म बात। तुम्हारा अकाउंट तुम्हें 1 घंटे में खुल के मिल जाएगा, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसीलिए इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला भी नहीं है। बाकी तुम यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और फॉलो करना ना भूलो।